अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फैसा अकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक के जरिए ही हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ पाएंगे। आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले याद रखिए कि सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं, मेन दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की। पहले टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए जो वर्ड है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है खालिस, अभी तक तो कोई मिलावट नहीं करी है उसमें, बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट हालत के अंदर है। और कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, तो याद रखो वो तमाम एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक ग्रुप 4A से है, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं अपनी प्योर हालत के अंदर, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। बट ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि ऑलमोस्ट ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं अपनी प्योर फॉर्म में। तो इनको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हमें इनको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि जो 4A के एलिमेंट्स हैं अपनी प्योर हालत में जर्मेनियम सिलिकॉन हमें मिल रहा है तो वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट हमें उनमें मिलावट करनी पड़ती है, वजह यह है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत लो होती है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करके अगर हम कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ठीक है, और डोपिंग के बाद, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जब हम डोपिंग का प्रोसेस करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया गैर खालिस। गैर खालिस यानी कि वो प्योर नहीं रहा, जाहिर सी बात है मैंने उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी हैं। ठीक है, जबकि अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना, ये हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट और मेन बात यही है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं। पहला टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी टाइप कहलाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में समझ लो। देखो, जब एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को, यानी कि हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन यानी कि उसका ताल्लुक है ग्रुप 4A से, यानी वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी मैं डोपिंग करूँ, यानी कि उसमें मैं कोई इम्प्योरिटी शामिल करूँ और वो भी इम्प्योरिटी हो विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो होना चाहिए पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब हो गया कि उसका ताल्लुक होना चाहिए ग्रुप 5A से, यानी कि उसके आखिरी ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल के पेंटावेलेंट एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आर्सेनिक, हो सकते हैं एंटीमनी, या हो सकता है फॉस्फोरस, ये सब पेंटावेलेंट एलिमेंट्स हैं। तो अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को हम डोप कर रहे हैं, डोप करने का मतलब इम्प्योरिटी शामिल कर रहे हैं, मतलब डोपिंग के बारे में एक बात आप जहन में रख लो, ये जो वर्ड है ना डोप, इसका मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर हम इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। ठीक है, वो जो जिस रेशियो में हम शामिल करते हैं, समझ लो 1:100, यानी कि 100 एटम्स अगर हमारे पास सिलिकॉन के होते हैं तो एक एटम हम लोग जो है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट का शामिल करते हैं, या 1:1000 भी हो सकता है, यानी कि 1000 एटम्स होंगे सिलिकॉन के तो उसमें हम एक मिलाएंगे, जो कि लाइटली डोप कहलाता है। तो डोपिंग का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही मिक्स कर दिया आधा आधे किलो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम डोप करें विद द पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट यानी कि जिसके आखिरी ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इम्प्योरिटी एटम के, यानी कि आर्सेनिक के, एंटीमनी के, फॉस्फोरस के, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम, जो सिलिकॉन इर्द गिर्द होगा उनके, उनसे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जबकि जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोवाइड करेगा, वो हो जाएगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो काम करेगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। और इस किस्म की डोपिंग या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक खास टाइप है और उसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इस टाइप की डोपिंग को कहते हैं डोनर डोपिंग। डोनर डोपिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो बनेगा, जो स्ट्रक्चर बाद में बनेगा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो डोनेट कर सकता है, इस वजह से इस टाइप की डोपिंग को डोनर डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसी बात को फिगर के जरिए समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास सिंपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिलिकॉन है, और याद रखो हर सिलिकॉन के गिर्द 4 सिलिकॉन हो सकते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है क्योंकि सिलिकॉन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इधर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए इधर, और इधर से भी ले ली, इस वाले सिलिकॉन के गिर्द भी 4 होंगे, इस वाले सिलिकॉन के गिर्द भी 4 होंगे, तो बाकायदा एक स्ट्रक्चर है जिसमें
हर सिलिकॉन के गिर्द 4 सिलिकॉन लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं, ये बात आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि पांचवा आके शामिल हो सकता है तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसी इंटरनल सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट शामिल कर दें, फॉर एग्जांपल हमने आर्सेनिक शामिल करा, अब आप आर्सेनिक को देखो तो चार तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नज़र आ ही रहे, चौथे के अलावा एक पाँचवा भी नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पेंटावेलेंट एलिमेंट शामिल कर रहे हैं। पेंटावेलेंट का मतलब आखिरी ऑर्बिट के अंदर उसमें चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही हम आर्सेनिक को शामिल करेंगे तो आर्सेनिक इसमें से फॉर एग्जांपल सेंटर वाले सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या होगा कि जो आर्सेनिक के चार इलेक्ट्रॉन हैं वो इर्द गिर्द चार सिलिकॉन मौजूद थे उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये आ गया, इधर भी कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, इधर भी कोवेलेंट बॉन्ड आ गया और इधर भी कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है जो आर्सेनिक के साथ है और वो रह जाएगा अनपेयर्ड रह जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन काम करेगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बन गया है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो चार इलेक्ट्रॉन थे उनने तो बॉन्ड बना लिया, हमारे पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, जो कि कंडक्शन में पार्ट लेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसे नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दें किसी पेंटावेलेंट एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है इस वजह से इन्हें कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सेकंड टाइप जिसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि जब सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसको डोप किया जाए किसी ट्राईवेलेंट एलिमेंट के साथ। ट्राईवेलेंट एलिमेंट का मतलब जिसके आखिरी ऑर्बिट के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीन इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि उसका ताल्लुक होगा ग्रुप 3A से। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, इंडियम हो सकता है, ये जो है तमाम के तमाम ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी डोपिंग की जाए यानी कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में इन इम्प्योरिटीज़ को शामिल किया जाए तो क्या होगा, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे इम्प्योरिटी के वो फॉर्म कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड विद द थ्री नेबरिंग सिलिकॉन एटम, ठीक है, सिलिकॉन एटम के जो नेबरिंग है, जो सिलिकॉन एटम नेबरिंग में होंगे उनके इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वाइल द वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन, एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन तो बचेगा जाहिर सी बात है, इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नेबरिंग सिलिकॉन एटम, क्योंकि चौथा सिलिकॉन तो होगा एट गेट बट एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, और यही जो मिसिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी एब्सेंस यानी कि उसकी मिसिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसे कहते हैं एक होल। होल एक कमी है, कमी जाहिर कर रही है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो होल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अच्छा, और वो अकोमोडेट कर सकता है, और होल जो है वो अकोमोडेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस टाइप का बनने वाला सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है और इस टाइप की डोपिंग को एक्सेप्टर डोपिंग कहते हैं, और एक्सेप्टर डोपिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक्सेप्टर डोपिंग होगी। अब देखो बाय फिगर, ये हमारे पास उसी तरीके से एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आ गया, हर सिलिकॉन के गिर्द चार सिलिकॉन है, ना ज़्यादा ना कम। अब हमने शामिल कर दिया इसमें एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल गैलियम। गैलियम एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट है जिसको हम इसमें शामिल करेंगे, तो फॉर एग्जांपल वो सेंटर वाले को रिप्लेस कराता है, तो जैसे ही वो रिप्लेस कराएगा आप देखेंगे जो उसके तीन इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे नेबरिंग सिलिकॉन के एटम्स के साथ, बट यहाँ पर जो है वो एक खाली जगह बचेगी, ये एक खाली जगह बच रही है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसी खाली जगह को क्या कहते हैं हम, इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। होल बेसिकली क्या है, होल एक एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि ये जो जगह है इलेक्ट्रॉन को एक्यूमिडेट कर सकती है, और क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को एक्यूमिडेट कर सकती है तो इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। अच्छा, अब हर होल जब भी हम कराएंगे एक्सेप्टर डोपिंग यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे होल्स बचेंगे यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आएंगे इस वजह से इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप, और अगर नहीं समझ में आया है तो लिखो क्या बात नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।